part 5 of our chapter 5, that is algebraic expression of standard 8. Okay, so in the previous classes we have already discussed about the division of monomial with some monomial and some binomial. Okay, so in today's class we'll discuss about the division of पॉलिनोमियल्स विथ अदर पॉलिनोमियल्स. मतलब जब हम पॉलिनोमियल्स को और एक पॉलिनोमियल्स के साथ डिवाइड करेंगे तब कैसे करेंगे. जब हम बाइनोमियल को डिवाइड कर रहे थे या फिर मोनोमियल को डिवाइड कर रहे थे, हम एक एक टर्म्स के साथ डिवाइड कर रहे थे, ठीक है. तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स मतलब दो तीन टर्म्स होगा और एक दो तीन टर्म्स, मतलब ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है, ट्राइनोमियल बाइनोमियल मोनोमियल कुछ भी हो सकता है. तो पॉलिनोमियल को और एक पॉलिनोमियल के साथ हम डिवाइड करेंगे तो कैसे मेथड यूज करेंगे, क्या प्रोसेस हम लगाएंगे, वही हम ये पहला वीडियो में आज देखेंगे, ठीक है. तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स इज द कंटेंट. सो फर्स्ट जो कि मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेथड को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली, जैसे सपोज मैंने बोला यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 5. तो जब मैं नॉर्मली 24 को 5 में डिवाइड करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ ना, 5 में ऐसा एक नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि 24 हो या फिर 24 से लेस हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए. तो 5 जब हम पुट करें 25 हो रहा है जो कि 24 से बड़ा हो रहा है. तो हमने कितना पुट किया, 20, यहाँ पर माइनस करने से कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है. तो ये जो 24 को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड. ये 5 को क्या बोलते हैं, डिवाइजर, जिसमें हम डिवाइड जिसको हम लेके डिवाइड कर रहे हैं. जो निकला वो जो रिजल्ट उसको हम क्या बोलते हैं, कोसेंट. और जो रह गया बच गया उसको क्या बोलते हैं, हम रिमाइंडर, ठीक है. सो दीज आर द टर्म्स. तो हमने पढ़ा है 7th क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम, तो क्या पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. कभी भी नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में जब भी हम करते हैं तो हमेशा डिविडेंड जो होता है, ये जो बीच वाला होता है, वो कैसे निकलते हैं, डिवाइजर जो हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू कोसेंट जो निकला प्लस रिमाइंडर करेंगे. तो चेक कर लेंगे 5 × 4 हाउ मच, 20 प्लस 4 हाउ मच, 24. सो डिविडेंड का जो रिजल्ट निकलता है, द फॉर्मूला विल बी गिवन बाय डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. दिस इज द फॉर्मूला, ओके, टू फाइंड आउट द डिविडेंड. एंड दैट प्रोसेस एल्गोरिथम मीन्स प्रोसेस, द डिविजन प्रोसेस जो एल्गोरिथम, दैट इज द फॉर्मूला, ओके. तो यहाँ पे मैंने लिखा है 24, दैट इज इक्वल टू 5 × 4 प्लस 4, ठीक है. बट अभी हमारा टॉपिक क्या है, हम कैसे एक पॉलिनोमियल को और एक पॉलिनोमियल के साथ कैसे हम डिवाइड करेंगे, दैट इज अवर टॉपिक, मेन टॉपिक, ओके. अच्छा, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे हम. तो पहले मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, जहाँ पे कि हमने डिवाइड कर रहे हैं 2x² - 11x + 12 बाय x - 4. तो यहाँ पे डिविडेंड कौन हो गया, किसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 2x² - 11x + 12 को, किसके द्वारा डिवाइड कर रहे हैं, x - 4 के द्वारा डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे 2x² - 11x + 12 इज द डिविडेंड, x - 4 इज द डिविजर डिवाइजर, ओके. उसको हम डिवाइड करेंगे. तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जैसे करते हैं, तो नीचे मिडिल में लिखेंगे 2x² - 11x + 12, उसके पावर के अनुसार लिखेंगे, मतलब डिग्री के अनुसार, सबसे बड़ा पावर से छोटा पावर से. मतलब 2, सपोज यहाँ पे 11x + 2x² होता तो भी हम क्या करते हैं ना, बड़ा से छोटा में, मतलब वो ऑर्डर में लिखते हैं. जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे x का 1, यहाँ पे x का 0, कुछ भी नहीं है तो 0. तो ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे भी x के फॉर्मेट में लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ठीक है. सजा के लिख दिए. अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिवीजन. बहुत ध्यान से देखेंगे प्रोसेस क्या कर रहे हैं. इसका पहला, इसका जो पहला है और इसका पहला है, इसका पहला कौन है, x, और यहाँ पे पहले कौन है, 2x². तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमको बोला गया था 5 में कितना मल्टीप्लाई करने से 24 होता है, वैसे यहाँ पे देखेंगे इसका जो पहला टर्म है x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा. x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा. तो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट एक आएगा 2, और x है मतलब, और x चाहिए मतलब 2x चाहिए मुझे. तो यहाँ पे पहले मैंने कितना पुट किया, 2x पुट किया, ठीक है. तो 2x पुट करने के बाद ये 2x को इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे. जैसे यहाँ पे 5 में 4 मल्टीप्लाई उसके नीचे लिखते हैं, वैसे ही x को 2x में, 2x को ये टोटल टर्म में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे में लिखेंगे. तो 2x × x, 2x², यहाँ पे x² के नीचे x² लिखेंगे. वैसे ही जैसे हम लिखते थे प्लस माइनस में भी, वैसे ही सेम पावर के साथ में ही नीचे नीचे लिखेंगे. तो 2x × x, 2x², 2x − 4, दैट विल बिकम −8x. तो 11 - 11x के नीचे लिखा हमने −8x, ठीक है. तो 2x² - 8x इतना लिख लिए. थोड़ा छोड़ के एक लाइन खींचेंगे, ठीक है. मैंने थोड़ा छोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे. जब हम
मैंने बोला था आप लोगों को कि जब पॉलिनोमियल में सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब माइनस करते हैं, हमेशा उसका वैल्यू क्या होता है, उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो उसका साइन नीचे वाला का जो भी साइन रहता है वो नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो वो दैट विल बिकम हाउ मच, प्लस। ओके अच्छा, तो यहाँ पे देखो 2x² का वैल्यू कितना, साइन कितना था, प्लस था, ये हो गया माइनस। 8x का साइन क्या था, माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, तो ये कट गया, 2x प्लस 2x² माइनस 2x² विल बी कैंसिल आउट, सो इट विल बिकम जीरो। तो माइनस 11x प्लस 8x, माइनस 11 प्लस 8, दैट विल बिकम माइनस ऑफ 3x। और जैसे यहाँ पे नीचे चला आता है, ये वाला नीचे आ जाता है, ये वाला भी नीचे आ जाएगा, प्लस 12 नीचे आ गया, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ऊपर में था तो ये हो गया प्लस 12, तो ये हो गया माइनस 3x प्लस 12। अभी फिर से देखेंगे, यहाँ पे पहले में कौन है, x है, यहाँ पे पहले में कौन है, पहला देखेंगे, पहला वाला कौन है, माइनस ऑफ 3x, नॉट 3x, पूरा हम साइन के साथ चेक करेंगे। यहाँ पे x था, यहाँ पे माइनस ऑफ 3x आ रहा है, तो x में कितना मल्टीप्लाई करने से माइनस ऑफ 3x आएगा, दैट इज माइनस ऑफ 3। तो अब क्या करें, बस पहला को ही देख के चेक करेंगे, बाकी वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो x इंटू माइनस 3, दैट विल बिकम माइनस ऑफ 3x, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 12, दैट विल बिकम प्लस 12, तो माइनस 3x प्लस 12। तो यहाँ पे देखो फिर से साइन चेंज हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो 3x 3x कैंसिल आउट, 12 12 कैंसिल आउट, एंड विल गेट हाउ मच, जीरो। सो कोसेंट यहाँ पे अगर कोई पूछेगा तो कितना हो गया, 2x माइनस 3 जो कोसेंट मेरा निकला, और रिमाइंडर कितना होगा मेरा, कुछ भी नहीं निकला, दैट विल बिकम जीरो। तो दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज कोसेंट, दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, वेरी नाइस, दिस इज द डिविजन एल्गोरिथम और प्रोसेस जो बोलते हैं, दैट इज दीज आर द कॉन्टेंट्स। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू में आता है, वो बोला है कि यूजिंग डिवीजन सो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो बेटा फैक्टर का मतलब क्या आता है, मतलब सपोज मैं बोला कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, तो हम 6 को 2 में डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 हो रहा है, दैट विल बिकम 0। तो रिमाइंडर अगर 0 निकला तो ऑब्वियसली 2 इज द फैक्टर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं निकला देन ऑब्वियसली 2 इज नॉट द फैक्टर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे भी क्या करेंगे, यूजिंग डिवीजन सो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो ये जो टोटल है इसको इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 निकला तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, फैक्टर हो गया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं निकला तो वो दैट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दैट। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैंने बोला था सदा के लिख देंगे बड़ा से छोटा क्रम में, तो पहले आ गया एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है इतना हो गया, और यहाँ पे भी इसको सदा के लिखेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2, इतना तो हो गया। अभी डिवाइड करेंगे सिंपली जैसे होगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो x² में कितना मल्टीप्लाई करना से x टू द पावर 4 आ रहा है, देन ऑब्वियसली x², तो x² इंटू x² दैट विल बिकम x4, फिर x² इंटू माइनस 3x दैट विल बिकम माइनस 3x³, x² इंटू प्लस 2 दैट विल बिकम प्लस 2x², जिसके नीचे जो लिखना है उसको लिख देंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, x² कैंसिल हो गया, माइनस x³ प्लस 3x³ दैट इज प्लस 2x³, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5x², और ये x चला आया नीचे। ठीक है, अभी कितना हो गया, 2x³ माइनस 5x² प्लस x हो गया। अभी फिर से देखेंगे, x² है, यहाँ पे 2x³ है, तो x² यहाँ पे 2 कितना चाहिए, एक दो हो गया, एक चाहिए मतलब 1 और 2x चाहिए, तो 2x चाहिए, तो प्लस 2x, साइन भी चेक करें हैं, तो प्लस 2x हम मल्टीप्लाई करें, तो प्लस 2x इंटू x² दैट विल बिकम प्लस 2x³, 2x इंटू माइनस 3x, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 x², तो माइनस 6x², और 2x प्लस 2 दैट विल बिकम प्लस 4x हो गया। अभी साइन चेंज कर देंगे, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस, यहाँ पे बच्चे वही चेंज करने में रॉन्ग कर देते, मतलब माइनस प्लस चेंज करने में, तो वो देखेंगे, तो माइनस 2x³ प्लस 2x³ कैंसिल हो गया, तो माइनस 5x² प्लस 6x² दैट विल बिकम x² ओनली, एक्स माइनस 4 दैट विल बिकम माइनस ऑफ 3x, और ये 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला टर्म कितना आ गया, x², यहाँ पे भी पहला टर्म कितना हो गया, x², तो कितना चाहिए, प्लस 1 मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू x² दैट विल बिकम x², 1 इंटू माइनस 3x दैट विल बिकम माइनस 3x, 1 इंटू 2 दैट विल बिकम प्लस 2, तो ये माइनस प्लस माइनस चेंज हो गया, x² कैंसिल, 3x 3x कैंसिल, 2 2 कैंसिल, देन द रिमाइंडर विल बिकम हाउ मच, 0। तो मैंने बोला था कि अगर रिमाइंडर 0 निकला देन ऑब्वियसली दिस इज द फैक्टर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं निकलेगा इट इज नॉट द फैक्टर, तो ऑब्वियसली हमारा रिमाइंडर कितना निकल गया, 0 निकल गया, सिंस द रिमाइंडर इज 0 देन दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर रिमाइंडर 0 निकल गया तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं निकला तो दैट इज नॉट ए फैक्टर। फाइंड वेदर 4z² माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ 4z4
प्लस 7z² प्लस 15 तो वो भी सेम क्वेश्चन है, तो डिवाइड कर देंगे, अगर रिमाइंडर 0 निकला तो होगा क्या फैक्टर, अगर 0 नहीं निकल रहा रिमाइंडर दिट इज नॉट ए फैक्टर। तो यहाँ पे 4z² प्लस 7z² प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4z² माइनस 5, तो 4z² यहाँ पे 4z4 है, तो 4 तो हो गया z², यहाँ पे z4 चाहिए मतलब और 2 चाहिए, तो z² चाहिए मुझे, तो z² मल्टीप्लाई किया तो z² इंटू 4z² दैट विल कम 4z4, z² माइनस 5 दैट विल कम माइनस 5z², तो ये तो कैंसिल हो गया, साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो 7z² प्लस 5z² दैट विल कम 12z² प्लस 15 मतलब प्लस 15 यहाँ पे नीचे आ गया। अभी क्या करेंगे, कितना है ये 12z² यहाँ पे 4z², ऑब्वियसली कितना मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12z², 3 × −5 − 15, तो ये तो प्लस माइनस प्लस चेंज हो गया साइन, तो प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जेड स्क्वायर कैंसिल, बट यहाँ पे प्लस 15 है, यहाँ पे प्लस 15, प्लस 15 15 30 हो गया, बट रिमाइंडर विल नॉट बिकम जीरो, एंड सिंस द रिमाइंडर इज नॉट बिकम जीरो देन ऑब्वियसली दैट 4z² − 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दैट इज 4z4 प्लस 7z² प्लस 15 एंड दैट विल बी द आंसर। Clear? Very nice. Now coming back to the exercise 1E, 5E, sorry. 5E exercise में हम आ गए अभी. ठीक है, 5E exercise में पहला क्वेश्चन में तो क्या करना है, हमको डिवाइड ही करना है, तो डिवाइड तो आप लोग कर सकते हो, मैं बस हिंट दे देता हूँ, आप लोग करना खुद ही, डिवाइड जैसे करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है हमको बस। ए स्क्वायर प्लस 6a + 5 बाई ए प्लस 1 तो कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 6a + 5 को ए प्लस 1, तो a यहाँ पे ए स्क्वायर ए चाहिए, a मल्टीप्लाई किया तो a इंटू ए स्क्वायर ए इंटू 1 a, ठीक है, तो ये माइनस माइनस साइन चेंज हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6a माइनस ए दैट विल बिकम 5a + 5 तो पहला को बस देखेंगे, 5a ही यहाँ पे a है, तो ये में ऑब्वियसली 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5, तो प्लस 5 किए तो 5 इंटू ए 5a, 5 इंटू 1 5, तो 5 तो ये माइनस माइनस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, रिमाइंडर विल बिकम 0, दिस इज द कोसाइन, दिस इज द रिमाइंडर, तो कोसाइन विल बिकम a प्लस 5, रिमाइंडर विल बिकम 0, ठीक है। 2-3 होमवर्क खुद करेंगे, 4 नंबर में सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं करने वाला, आप लोग करना, 14 − 17x + 5x² / 2 − x, तो यहाँ पे पहला ट्रिक क्या अप्लाई करना है ना हमको, थोड़ा बड़ा से छोटा क्रम में सजा के लिखना है, तो यहाँ पे 5x² पहले आ गया, −17x + 14, और यहाँ पे 2 − x, यहाँ पे एक्चुअली x − 2 लिखना था, मैंने 2 − x, तो ऐसे भी हो जाएगा, तो पहले x को चेक करेंगे, x है यहाँ पे 5x² है, तो ऑब्वियसली 5x से ये तो −5x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो −5x मल्टीप्लाई किया तो 5x² − 10x, साइन चेंज हुआ, माइनस प्लस हो गया, ये तो कट गया, यहाँ पे −17 + 10 दैट विल बिकम −7x + 14, ऊपर नीचे आ गया, तो −7x + 14 कितना चाहिए, x में −7 + 7 चाहिए, तो +7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × −x − 7x, 7 × 2 + 14, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर विल बिकम हम 0, कोसेंट विल बिकम 7 − 5x, कोसेंट मतलब उल्टा करके लिख दिए, तो कोसेंट विल बिकम हम 7 − 5x एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, 5, 6, 7 खुद करेंगे आराम से, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों के छोड़ दिया, आप लोग खुद ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक नहीं आएगा, सबको आ जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी डिवीजन है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बड़ा थोड़ा इसलिए मैंने कर रहा हूँ, यहाँ पे वही सेम ऑर्डर में कर देंगे, बड़ा से छोटा में, x³ + 8x² + 21x + 18 डिवाइडेड बाई यहाँ पे x² + 5x + 6, इसमें करने से ईजी होता है, तो यहाँ पे पहले में x² है, यहाँ पे x³ है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली x मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली x, तो x³ + 5x² + 6x हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 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 चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 − 5 = 3x², 21 − 6 = 15x + 18 नीचे आ गया, यहाँ पे x² है, यहाँ पे पहले में कितना है 3x², तो x² तो ऑलरेडी है, मतलब बस 3 चाहिए, मतलब प्लस 3 चाहिए, तो प्लस 3 हो गया, तो +3x² + 15x + 18, तो माइनस 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 हो गया, साइन चेंज, ये कटा, ये कट गया, प्लस माइनस कट गया, लास्टली रिमाइंडर विल बिकम 0, देन कोसेंट विल बिकम हाउ मच, x + 3, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर, वेरी नाइस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग द डिवीजन फाइंड वेदर और नॉट द फर्स्ट वन इज द फैक्टर ऑफ सेकंड। ओके, फैक्टर पूछा है, फैक्टर मतलब सेम कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर नहीं 0 निकलता है तो इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलीनोमियल। ओके, तो पहला में है x − 7 and x² − 3x − 28, तो पहले इसको डिवाइड करेंगे, x² − 3x − 28 को x - 7 से डिवाइड करेंगे, तो पहले में x से यहाँ पे x² है, ऑब्वियसली x चाहिए,
तो x मल्टीप्लाई किए तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस सेवन माइनस सेवन एक्स, साइन चेंज हो गया माइनस प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस थ्री प्लस सेवन दैट विल बिकम फोर एक्स, और माइनस ट्वेंटी एट नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे फिर से फोर एक्स आ गया, पहला टर्म हो गया फोर एक्स, यहाँ पे x तो ऑब्वियसली प्लस फोर चाहिए, तो प्लस फोर मल्टीप्लाई कर दिए, फोर इंटू एक्स फोर एक्स, फोर इंटू माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी एट, ये माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर विल बिकम हाउ मच, जीरो, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो दैट विल नॉट बी द आंसर, जीरो हो गया मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर रिमाइंडर जीरो हो गया मैंने बोला था फैक्टर, तो सिंस रिमाइंडर इज जीरो देन इट इज द फैक्टर ऑफ दिस, सिंपल सी बात है। टेन नंबर खुद कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, इलेवन नंबर में आते हैं। इलेवन नंबर में क्या बोला कि x माइनस सिक्स है, वही सेम क्वेश्चन है, हमको चेक करना था कि फैक्टर हो रहा है कि नहीं, तो रिमाइंडर चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या था मेरा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर्टी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सिक्स, तो x यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो पहले x मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, x मल्टीप्लाई करना x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स, एक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स एक्स, माइनस साइन चेंज हो गया माइनस प्लस हो गया, ये पहला वाला कट गया, माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स माइनस सिक्स एक्स, फोर्टी आ गया नीचे, तो माइनस यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे पहला टर्म कितना है माइनस सिक्स एक्स, माइनस ऑफ सिक्स एक्स, तो कितना यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है तो कितना चाहिए माइनस सिक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन में माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स प्लस थर्टी सिक्स, तो साइन चेंज हो गया तो ये प्लस ये माइनस हो गया, तो ये तो कट गया लेकिन फोर्टी ये माइनस थर्टी सिक्स, रिमाइंडर विल बिकम हाउ मच फोर, एंड फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो, फोर हमारा जीरो निकलना चाहिए था बट यहाँ पे रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं निकला, तो सिंस द रिमाइंडर इज नॉट जीरो देन एक्स माइनस सिक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ दैट पॉलीनोमियल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रिमाइंडर जीरो हुआ तो फैक्टर हुआ, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो इट इज नॉट अ फैक्टर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आते हैं, डिवाइड एंड चेक द डिविजन एल्गोरिथम बोला है, मतलब पहले तो डिवाइड करेंगे फिर उसको डिवीजन एल्गोरिथम चेक करेंगे, क्या था डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर दैट विल बिकम डिविडेंड होना चाहिए मेरा, तो सेम कॉन्सेप्ट, ये तो डिवाइड आप लोग कर सकते हो, सिक्स पी क्यू प्लस फाइव पी स्क्वायर, पी वाला कुछ भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे जीरो इंटू पी लिखा है, ठीक है, इसमें लिख देने से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा ज्यादा, जीरो इंटू प्लस प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू पी प्लस वन, ठीक है। तो पहले कितना है टू पी, यहाँ पे सिक्स पी क्यू, तो टू कितना चाहिए हमको, थ्री पी स्क्वायर चाहिए ऑब्वियसली, टू थ्री जा और पी यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन चाहिए था मतलब दो, थ्री पी स्क्वायर, तो थ्री पी स्क्वायर इंटू टू पी दैट विल बिकम सिक्स पी क्यू, टू थ्री पी स्क्वायर इंटू वन दैट विल बिकम थ्री पी स्क्वायर, तो माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फाइव पी स्क्वायर माइनस थ्री पी स्क्वायर दैट विल बिकम टू पी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो पी प्लस फोर नीचे आ गया। अभी देखो बच्चों यहाँ पे टू पी स्क्वायर, यहाँ पे टू पी है, तो टू तो ऑलरेडी है, पी भी है और एक पी चाहिए बस, तो प्लस पी, ठीक है, तो पी इंटू टू पी प्लस टू पी स्क्वायर, पी इंटू वन दैट विल बिकम ओनली पी, तो साइन चेंज हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो जीरो इंटू पी, ये तो जीरो हो गया मतलब माइनस पी, तो ये हो गया माइनस पी प्लस फोर, इसलिए ये वाला जीरो पी हमको लिखना चाहिए वरना हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस पी, ये हो गया प्लस फोर, तो माइनस पी प्लस फोर, यहाँ पे टू पी है, यहाँ पे मुझे माइनस पी चाहिए, तो कितना टू को हटाना है मतलब माइनस वन बाई टू मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस वन बाई टू, सो दैट विल बिकम माइनस पी, माइनस वन बाई टू इंटू प्लस वन दैट विल बिकम माइनस वन बाई टू, तो साइन चेंज हो गया प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस फोर प्लस वन बाई टू दैट विल बिकम फोर होल वन बाई टू, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरा कितना निकला, फोर होल वन बाई टू, कोसाइन कितना निकला थ्री पी स्क्वायर प्लस पी माइनस फोर वन बाई टू, डिविजर हमारा कितना निकला टू पी प्लस वन, तो डिविजर इंटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर करते हैं तो मेरा ये वाला निकल जाएगा, तो डिविजन एल्गोरिथम मेरा वेरीफाई हो जाएगा। तो चेक हम करेंगे, डिविजर इंटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर हम कर रहे हैं, तो जस्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, डिविजर मेरा कितना था टू पी प्लस वन, कोसाइन मेरा कितना था थ्री पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन बाई टू, प्लस रिमाइंडर मेरा कितना निकला था फोर होल वन बाई टू, तो जस्ट मल्टीप्लाई किया टू पी इंटू थ्री प्लस स्क्वायर थ्री सिक्स पी क्यू, टू पी इंटू पी टू पी स्क्वायर, टू पी इंटू वन बाई टू पी माइनस पी, फिर वन मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री पी स्क्वायर प्लस पी माइनस हाफ प्लस फोर होल वन बाई टू, तो सिंप्लीफाई किया तो सिक्स पी क्यूब तो रहेगा, टू पी स्क्वायर प्लस थ्री पी स्क्वायर फाइव पी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे फोर होल वन बाई टू माइनस वन बाई टू दैट विल बिकम फोर, एंड सिक्स पी क्यूब प्लस फाइव पी स्क्वायर प्लस फोर, सिक्स पी क्यूब प्लस फाइव पी स्क्वायर प्लस फोर, दिस इज नथिंग बट अवर डिविडेंड, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि डिविजर इंटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर का वैल्यू कितना निकलेगा डिविडेंड, एंड दैट विल बी अवर आंसर, ठीक है, एंड वेरीफाई हो गया ये, क्लियर, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो 13 वाला सेम कॉन्सेप्ट है, वही हमको वेरीफाई करना होगा, तो आप लोग खुद वेरीफाई कर सकते हो। अभी आते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस,
this polynomial so that the resulting polynomial is exactly divisible by 2x² - 3. वो बोल रहा है कि यहाँ से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो यहाँ इसके द्वारा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. तो कॉन्सेप्ट क्या बताता है, कितना सब्ट्रैक्ट करें मतलब जितना एक्स्ट्रा हो जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा मुझे, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एक डिविजन एल्गोरिथम में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, जो मेरा रिमाइंडर बच जाता है. तो पहले हम डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर निकलेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमारा रिमाइंडर निकाल लेते हैं, पहले रिमाइंडर जो निकलेगा उसको बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दैट विल बी अवर आंसर. ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं उसका पॉलीनोमियल 6x³ + 4x² - 27x³ - 7x² - 26x और मेरा यहाँ पे डिवाइजर क्या हो गया 2x² - 3. ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये लोग कर सकते हो 2x² है, यहाँ पे 6x³ है, तो 2 यहाँ पे 6 मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे x² है और एक और 3 x चाहिए मतलब 3x³ मुझे चाहिए. ठीक है, तो 3x³ इनटू 2x² दैट विल बिकम 6x5. तो यहाँ पे लिखने का इतना छोट छोट के लिखने का क्या बोला है, तो जिसके नीचे ऐसा नहीं कि हम ये जो 3x³ × 2x² कितना हुआ 6x5, तो नीचे में लिखे फिर 3x³ + -3, तो 3 3 - 9x³, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे x4 के नीचे, वो x³ के नीचे ही लिखेंगे, तो -9x³. तो इसका साइन क्या हो गया, माइनस हो गया या प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया. अभी देखो ये नीचे आ गया और जो कुछ भी नहीं है उसको नीचे ला लेंगे, तो 4x² नीचे आ गया, यहाँ पे -27 + 9 दैट विल बिकम -18x³ या -7x² - 27x - 6 ये नीचे आ गया. ठीक है, अभी पहले मुझे कितना देखना है, 4x4 देखना है, यहाँ पे 2x² है, तो 2 मतलब 2 चाहिए कांस्टेंट में और वेरिएबल में 2 है और 4 चाहिए मतलब और 2 चाहिए मतलब +2x² चाहिए, तो +2x², तो 2x² + 2x × 2x² दैट विल बिकम 4x4 2x² × -3 2 3 - -6x² तो -6x² के नीचे लिखेंगे, तो इसका साइन माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, -18x³ यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, -8x³ नीचे आ गया, -7 + 6 मतलब -1x² -27x - 6 आ गया. ठीक है, अभी कितना चाहिए बच्चों, 18x³ चाहिए, कितना है 2x², तो 2 मतलब -9 चाहिए और एक x चाहिए तो -9x चाहिए. ठीक है, कैसे पता चले, 2 यहाँ पे 18 तो 2 9 9 चाहिए एक माइनस, तो -9 और x² है, x³ चाहिए मतलब और एक x, तो -9x चाहिए, तो -9x मल्टीप्लाइड बाई 2x², तो -18x³ हो गया. ठीक है, -9x - 3 तो -27x, तो -27x नीचे आ गया, सॉरी -+27x, तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया. ठीक है, -x² नीचे आ गया, -27 - 57 - 54x, ये -6 नीचे आ गया. ठीक है, लास्ट अभी आ गया, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे कितना है -x² है, तो 2x घटाना पड़ेगा मतलब 1/2 और एक माइनस मतलब -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1/2 × 2 कैंसिल हो गया, -x² हुआ यहाँ पे और -1/2 - 3 मतलब -3/2 कांस्टेंट के नीचे मैंने लिख लिया, --+3/2. ठीक है, तो ये प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, -54x नीचे आ गया, -6 - 3/2 दैट विल बिकम -15/2, इतना और तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे x² यहाँ पे छोटा हो गया, तो ये दैट विल बी अवर रिमाइंडर दैट इज -54x - 15/2 दैट विल बी द रिमाइंडर. और मुझे पता है जितना एक्स्ट्रा हो जाता है उसको अगर हम घटा देंगे ऑब्वियसली इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, तो हम क्या करेंगे ना जो रिमाइंडर निकलेगा उसको ही डिवाइड दैट विल बी अवर आंसर. तो इफ -54x - 15/2 इज सब्ट्रैक्टेड देन द पॉलीनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x² - 3 एंड दैट विल बी अवर आंसर. क्लियर, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वो बोला था. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितना डिविजिब कितना हम सब्ट्रैक्ट करने से हम एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो जो रिमाइंडर निकलेगा ऐसा टाइप का और अलग भी क्वेश्चन आ सकता है. तो हमको देखना है कि हमको पहले डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है उसको अगर सब्ट्रैक्ट करें, इसको अगर हटा देंगे तो ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा मतलब परफेक्टली उसका रिमाइंडर कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा. ठीक है, 15 and 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो बहुत ही आराम से आप लोग कर सकते हो. ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बना देना और सॉल्व कर लेना सब कुछ. ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 5.5E खत्म हुआ, 5F में फिर से मिलेंगे. ठीक है, सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल.